नहीं तो सब तकलीफ में तो मजा आता है, इतना मजा आया। और हमेशा आपको जेलसी फील होती कि दूसरे फ्रेंड्स को रिलेटिव देखते हैं, रिलेटिव मींस एक दूसरे के साथ सापेक्ष देखते हैं, ये कहां पहुंचा मैं कहां पहुंचा हूं, तो दुख होना शुरू होता है। पॉजिटिव चीजें यह है कि खुद की अपनी स्ट्रेंथ को पहचान, किसकी पहुंचा रहा हूं, खुद की अपनी, रादर देन दूसरों से कंपेयर करो। हमारी तकलीफ क्या है, दूसरे से कंपेयर कर रहे ये इसमें अच्छा, लेकिन हर कोई ये चीजों में अच्छे नहीं हो सकते। अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेसेस है, उनको पहचानो। जो आपकी वीकनेस है दूसरों की नहीं हो सकती, जो आपकी स्ट्रेंथ है दूसरों की नहीं हो सकती, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता है कि नहीं। इफ यू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ देन इज द वीकनेस से यू कैन डू द वंडर इन योर लाइफ। But problem is that we are not identifying our strength because we don't know, we haven't worked with ourselves properly. If we work with yourself, definitely you can find what is your strength or your weaknesses. But could you? Now, that is the basic problem of us. And that's why, you know, strength and weakness ke pata hai. Positive kaise rahe, sir? Ek हमेशा ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ बात करता हूँ, जो अलग बात करता हूँ एमडी के साथ, मेरी मेरी कहानी आने का दोस्तों, लेकिन एक चीज हमेशा बोलता है, मुझे स्टूडेंट के साथ बात करने में मजा आता है, इसलिए आपके लिए ताली बजाऊं। एक चीज मैंने देखी है, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, सही गलत मुझे कुछ करने दे, सब ये गलत है ये सही है। हम जो लोग जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं ना, कुछ पूछना होता है तो भी सोचेंगे नहीं पूछना है, बाद में पूछेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होते तो भी हम सीधे नहीं लेके आते। स्टूडेंट्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट, कंपैरेटिव बता रहा हूं, कंपैरेटिव सोचना बहुत ट्रांसपेरेंट है। एटलीस्ट उनको पता है कि ये समझ में नहीं आया। एकेडमी का एक काम है कि जो हम जानते हैं सीधे स्टूडेंट्स तक पहुंचे, उनको समझना है जो पहली बार है। कहता है कई बार द साइंटिस्ट टेलिंग यू शेयरिंग विद यू देयर आर सो मेनी गुड फैकल्टीज आफ्टर द अप्रेजल ऑफ देयर पीएचडी, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स, दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द स्टूडेंट। टीचिंग इज अ टोटली डिफरेंट स्किल, नॉलेज इज टोटली डिफरेंट। इफ यू आर हैविंग नॉलेज, बट हाउ यू कैन एक्सप्लोर योर नॉलेज, हाउ कैन कन्विंस योर स्टूडेंट्स, हाउ यू कैन टीच देम, हाउ यू मेक देम लर्न, मुझे आपको इंप्रेस करने में 2 मिनट लग गया। आइदर आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड जस्ट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल स्टेटमेंट आई नो, बट फिर मजा क्या था, बोलते सर अच्छा बोल, समझ में कुछ नहीं आया।